Kenne. Kenne. देश नोक जगह का नाम और करणी माता का मंदिर वो पीछे, तो ये मंदिर बीकानेर से मात्र 30 किलोमीटर दूर और ये मंदिर है। और यहाँ पे जो चीज़ फेमस है पूरे इंडिया में इस बात को लेके कि यहाँ पे काबा जो कि चूहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे चूहे हैं। और कहानी ये है कि ये करणी माता खुद चारण जाति से थी, तो ये उनके चारण जाति का ही परिवार है। तो ये जो परिवार है ये कंटिन्यूसली यहीं मंदिर में ही रहता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे इस तरह की बात जुड़ी हुई है इससे। तो इस मंदिर के हम दर्शन करते हैं, देखते हैं मंदिर में अंदर जो काबा है वो बहुत हजारों की संख्या में है। तो देखिए मित्रों, ये जो है जैसे ही हम यहाँ, ये जो मंदिर का जो शुरू में आप जो देख रहे हैं आर्किटेक्चर वो बहुत ही शानदार बनाया। और ये जो महाराजा गंगा सिंह जी थे तो उन्होंने ये द्वार को बनवाया था। आप आर्किटेक्चर आप देखेंगे इसका तो सरप्राइज़ कर जाएंगे कि कितना गहराई से पूरे मार्बल पे वर्क हो रखा है। तो महाराजा गंगा सिंह जी ने ये करवाया। ये चांदी के गेट हैं, राइट। तो हम जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये काबा है ये बहुत सारे मिलेंगे अभी। ये देखिए उस तरफ भी दिखाई दे रहे हैं। तो पहले हम लोग चारों तरफ घूम लेते हैं, उसके बाद में मंदिर में भी जाएंगे अंदर। ये मंदिर परिसर अंदर से चारों तरफ जो है परिसर देखिए, ये सारा जो है महाराजा गंगा सिंह ने तैयार करवाया था। और पहले हम चाहेंगे कि उन काबा को देखा जाए। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये क्योंकि जो करणी माता करणी थी वो चारण जाति से थी, और ऐसा मतलब कहा जाता है कि ये जो है ये सब चारण जाति की उनके वंशज हैं। और ये सब जगह आपको कहीं पर भी पूरे परिसर में जो है हर जगह मिलेंगे, हर जगह जो है ये लोग फैले हुए हैं पूरे मंदिर में। विशेषता की बात यह है कि ये देखिए अंदर अंदर भी बहुत है ना। पॉइंट ये है कि ये न तो नुकसान करते हैं लोगों को और मतलब ये काटते भी नहीं है, इस तरह की बात है। मंदिर में, मंदिर परिसर में जैसे ही हम अंदर आएंगे तो देखिए ये सब कावा जो है अभी दूध पी रहे हैं यहाँ पे, और इनको बकायदा पूरा भोजन और ये सब कुछ दिया जाता है। ये मंदिर का मुख्य अंदर गर्भगृह है, मंदिर यहाँ पे है, तो उसको भी अभी हम देखेंगे। पहले मैं बिल्कुल आसपास की जगहों को आपको दिखा दूँ, उसके बाद हम चलेंगे अंदर मंदिर में। मंदिर यहाँ से भी देखा जा सकता है, लेकिन हम सामने से उसको मैं आपके दर्शन कराऊँगा उसके। तो बहुत जल्दी एक परिक्रमा पूरी की जाए, परिक्रमा पूरी करके, और ये कुछ पार्ट है ना अंधेरा वाला है यहाँ पे, ठीक है। और सब जगह जो काबा है ना वो फैले हुए हैं। हम देखे मंदिर के चारों तरफ ये चक्कर लगा के आ गए और परिक्रमा पूरी की, और अब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये यहाँ पे एक जो दीपक है अखंड ज्योति ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये है तो चलिए मंदिर में देखते हैं। ये जो है मुख्य गर्भगृह है यहाँ पे, और मंदिर के दर्शन हम लोग करने वाले हैं। ये सामने है करणी माता मंदिर, और ये करणी माता जैसे मैंने बताया कि ये चारण थी और यही हैं। और ये उनके वंशज हैं, काबा जितने हैं वो बोलते बोले जाते हैं कि वो काबा जो है
वो सामने जो आप देख रहे हैं वो करणी माता जी हैं। मंदिर की छत से मंदिर कुछ इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊँगा, महाराजा गंगा सिंह ने जो बनवाया था वो पूरा मंदिर जो है उसमें ये जो पार्ट दिखाई देगा मार्बल का, ये कुछ स्लाइटली ओल्ड है, तो ये महाराजा गंगा सिंह का बनवाया हुआ है। और जो मंदिर में पीछे जो आप देख रहे हो कि बहुत बड़ा पार्ट उठ गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, तो जो मंदिर के अंदर अगर यहाँ आप देख पा रहे हैं इसी जगह पे, तो ये पहले मंदिर इसी हाइट तक था, फिर बाद में ये अभी ये जितना भी है कंस्ट्रक्शन ये नया है, ये सारा नया बनवाया गया। पहले मंदिर की जो हाइट थी वो अंदर बनाया हुआ मंदिर महाराजा गंगा सिंह का वहीं तक था, तो इसको और हाइट दी गई है। ये उनसे ही संबंधित दूसरे मंदिर भी हैं, ये मानू माई जी का मंदिर है और दूसरे और भी मंदिर हैं, तो सब जगह सेम वही स्थिति है सब जगह। इन मंदिरों में भी देख सकते हो आप, हम इधर चलते हैं मंदिर परिसर में, जैसे ही हम इधर आएंगे बाहर की तरफ, तो ये एक पुराना जो है, यहाँ देखिए यहाँ कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है कि ये सारे काबा जो है अभी सुबह का समय है और ये सारे के सारे जो है दूध पी रहे हैं, ये प्रसाद है जो लोग देते हैं। और यहाँ जो है हजारों की संख्या में, ये देखिए अंदर सब जगह जो है, ये इनकी जगह है, अंदर इन्होंने अपने बिल बनाए हुए हैं, बकायदा यहीं रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग अब मंदिर से बाहर वापस, इतना ही है करणी माता का मंदिर। और लोगों के यहाँ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि जब प्लेग भी फैला था इंडिया में तो यहाँ इनको कुछ नहीं हुआ। काबा यहाँ की, मैं भी नाश्ता कर रहा था तो नाश्ते करते समय भी वो जो कचौरी का जो मैदा है उसको भी नोच नोच के ले जा रहे थे। जो आसपास की दुकानें हैं इवन उन दुकानों में भी वो जो है चूहे या काबा बोलेंगे वो सब जगह फैले हुए हैं और वो खाते पीते रहते हैं, उससे कोई इन्फेक्शन वाली जो चीज़ें नहीं होती है लोगों का। अच्छा, आज दिन तक का रिकॉर्ड है कि इस तरह का जब नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई, तो हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ बोलते हैं ना कि चूहों में और रैट्स में बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैलता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इनका दूध जो है, लोग इनका जो दूध वो पी रहे थे चूहे काबा, और उसको लोग भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, कुछ भी नहीं होता। सो गाइज़, ये व्लॉग था, और अगर ये व्लॉग पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, BPS चौहान व्लॉग्स।